ये है मेरा रूम, जो मेरा आज का स्टे है यही है। बैटरी ले ली है मैंने गोप्रो की एंड मैं चलता हूँ यहाँ के बॉटनिकल गार्डन पे, जो यहाँ से कुछ 700 मीटर दूर है, पास में ही है, इसलिए मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर अगर यहाँ पे कोई आता है तो यहाँ पे टैक्सी लेना वैसे सही नहीं है, बस भी चलती है बहुत जगह, लेकिन बस का रूट यहाँ मुश्किल ही समझ में आएगा लोगों को। और यहाँ पे ज़्यादातर वैसे मलयालम बोलने वाले हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आती और आप सिर्फ हिंदी जानते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी चल पाएगा, थोड़ा बहुत ही समझते हैं यार हिंदी। मार्केट यहाँ रेगुलर खुल रही है, यह है बॉटनिकल गार्डन की एंट्री, गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन है ये, यहाँ से आपको टिकट मिलेगी एडल्ट्स के लिए 50, चिल्ड्रंस को 30, वीडियो कैमरा का अनदर 100। एंट्री कर चुके हैं वीडियो कैमरे के साथ, कैमरे के एडिशनल 100 रुपीज़ देने पड़े। मास्क कैसे चल रहा है? यहाँ पे हर पौधे का नाम लिखा नहीं है। बट नेक्स्ट फॉर्म जापानी सागो, सागो पाम
अभी तक पौधे देखे थे, अब चलते हैं फूल देखने। ग्रास ग्लास हाउस है एंड देन फ्लावर्स हाउस। यहाँ पे किसी भी फ्लावर्स के नाम लिखे ही नहीं है। फ्लावर्स के नाम तो लिखने चाहिए, अब ऐसे कैसे पता चलेगा। कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है सब। ऐसे गार्डन तो हमारे यहाँ दिल्ली में भी बहुत जगह मिल जाएंगे आपको, तो अच्छा कुछ भी खास, कुछ भी ऐसा खास नहीं है यहाँ पे।
वही है नॉर्मल गार्डन टाइप, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो थोड़ा बहुत अलग लगे मेरे को। वैसा ही है जैसा हमारे यहाँ भी बॉटनिकल गार्डन है, कुछ बॉटनिकल गार्डन हमारे यहाँ भी हैं, वहाँ पे भी हमने देखे हैं, वैसा ही है। आई थिंक हमारे यहाँ ज़्यादा बेटर है। ये एक थोड़ा अलग लगा, कैक्टस की अलग अलग प्रजातियाँ। जो ये वाले हैं, ये वाले तो हमारे यहाँ मिल जाते हैं लेकिन ये बहुत कम मिलते हैं। ये एक बेबी कैक्टस, हेरिटेज केयर बिल्डिंग। Thank you.
अपने होटल की साइड आया तो मैंने देखा कि मेरे होटल के पास भी एक रोज़ गार्डन है। जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ जिस होटल में, उसके कुछ 900 मीटर दूर है, तो मैं वहीं पे आया हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ। देखिए ये रास्ता पीछे वाला जा रहा था, तो बस पहुँचने ही वाला हूँ और पहुँच कर बताता हूँ। रोज गार्डन है, डिफरेंट तरीके के रोजेस तो हैं। येलो रोज यानी नॉर्मल जो हमारे यहाँ भी मिल जाता है खासकर। एरो काला and they have KNA ठीक है। ये भी गार्डन सही है, रोज़ गार्डन ज़्यादा बेटर है बॉटनिकल गार्डन से। बॉटनिकल गार्डन में कुछ नहीं था, नॉर्मल बस थोड़ा बहुत क्रिएट कर रखा था उन्होंने। आई थिंक इट्स बेटर देन बॉटनिकल गार्डन।
Dolly Parton. यहाँ पे गूगल मैप भी थोड़ा गलत तरीके से डिस्टेंस दिखाता है, क्योंकि डिस्टेंस का बड़ा इशू है। अगर 1 किलोमीटर हम जो है देख रहे हैं गूगल मैप में, तो वो 2.5-3 किलोमीटर बन जाता है। समझ नहीं आता कैसे है। हमारा फैमिली चलेगा तो भी कौन चलेगा। कभी कभी मुझे ये लग रहा है कि मैं मनाली या मसूरी में घूम रहा हूँ। बट नहीं, इट्स ऊटी।